दोस्तों जासमीन भसीन और अली कौली सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन बिग बॉस पर आकर उन्हें एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हुआ। बिग बॉस 14 से बाहर आने के बाद जासमीन ने मीडिया के सामने अली के लिए अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार किया है और ये भी कहा है कि अगर अली तैयार होते हैं तो दोनों इस साल जल्द ही शादी कर लेंगे। अपने रिश्ते पर बात करते हुए जासमीन भसीन ने कहा था कि उनके पेरेंट्स ने भी शादी के लिए हामी भर दी है। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में जासमीन भसीन के पापा ने अली के साथ अपनी बेटी के फ्यूचर के सवाल पर कहा था कि उनके करियर पर फोकस करने का टाइम है, इस टाइम पर शादी की कोई बात ना करें। इससे लोगों को लगने लगा कि शायद वो अली को कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन अब अली कौनी की बहन इल्हाम गोनी ने इस बारे में बात की है। जी हाँ दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने जासमीन भसीन के पापा की बात का गलत मतलब निकाला है। इल्हाम गोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि जासमीन भसीन के पिता का मतलब ये नहीं था, वो बस चाहती थी कि जासमीन अपना गेम खेले। उन 10 मिनटों में हम एक बाप से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बिग बॉस के घर में चल रही चीजों के बारे में अपनी बेटी से बात करे, क्योंकि वो एक पिता है तो एक नेशनल टीवी पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लोगों ने इसको गलत तरीके से समझ लिया कि वो अली कौनी को पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही जासमीन भसीन और अली कौनी की शादी के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अली कौनी और जासमीन भसीन की शादी से जासमीन भसीन के पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं है। इसके साथ ही इल्हाम गोनी ने ये भी कहा है कि जैसे ही अली कौनी बाहर आएंगे वैसे ही दोनों परिवार मिलेंगे और दोनों की शादी पर फैसला भी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अली कौनी की बहन इल्हाम गोनी ने ये साफ कर दिया है कि अली की फैमिली की तरफ से जासमीन भसीन के लिए किसी भी तरीके की कोई मनाही नहीं है। जब अली कौनी घर से बाहर आ जाएंगे तो जासमीन और अली की शादी के बारे में सोचा जाएगा।